सद्गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पो जलांगं प्रशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताय सुतमृगणैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निकलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वतीपते हर हर महादेव शंभु। महादेव का रुद्राक्ष बहुत ही प्रिय है। भगवान रुद्र के अक्ष से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। जो रुद्राक्ष है ये अपने आप में एक औषधि है, मेडिसिन है, धारण करने वाले की जो रोग से लड़ने की क्षमता है उसको बढ़ा देता है, आध्यात्मिकता का संचार करता है, ग्रह पीड़ा शांत करता है और ऊपरी बाधाओं से नजर आदि से रक्षा करता है। किंतु जो रुद्राक्ष मंत्र के साथ विधिवत धारण किया जाता है उसी का ही विशेष फल है। और आज इसके युग में रुद्राक्ष के नाम पे बहुत कुछ बिकता है। प्लास्टिक के रुद्राक्ष मिलते हैं, मसाले के रुद्राक्ष मिलते हैं, लकड़ी के रुद्राक्ष मिलते हैं और जो ओरिजिनल रुद्राक्ष होते हैं उन पर भी धारियां बढ़ा करके उसको जो है महंगा बेचा जाता है। और आपके पास कोई कसौटी नहीं है उसको परखने की, आंखों से सब सही दिखते हैं। मैंने 8 रुद्राक्ष मंगाए विद रिपोर्ट, 7 रुद्राक्ष रिपोर्ट के साथ है, 1 रुद्राक्ष विदाउट रिपोर्ट है। अलग अलग लोगों से मंगाए, सबकी रिपोर्ट साथ में आई हुई है, सर्टिफाइड रिपोर्ट है। और ये 14 मुख्य रुद्राक्ष है। अब ये जो 14 मुख्य रुद्राक्ष है ये साक्षात हनुमान का स्वरूप है, धारण करने वाले को आध्यात्मिक शक्ति देता है और शत्रुओं से रक्षा करता है, बल बुद्धि और पराक्रम को बढ़ाता है। ये दिव्य रुद्राक्ष है। किंतु पहले हम इसको कैसे चेक करेंगे? यदि रुद्राक्ष अंदर से कीड़े का खाया होगा तो वो हल्का होगा और पानी में तैरेगा। पहली कसौटी तो यही है कि आपने लैब से उसको टेस्ट करा लिया, एक रिपोर्ट ले ली, तो एक तो प्रमाण ये हो गया कि लैब टेस्टेड है, लैब सर्टिफाइड है। दूसरा प्रमाण क्या है? पानी का। अब जैसे ये रुद्राक्ष जो है ये तैर रहा है, तो जो रुद्राक्ष तैरता है इसका मतलब अंदर से उसमें खोखलापन है या कीड़े का खाया हुआ है, तो ये सेकेंड उस पर ही रिजेक्ट हो गया, इसको हमने हटा दिया। अब दूसरा रुद्राक्ष ये हमने इसको हटा दिया, ये मतलब सेकेंड कैटेगरी में फेल हो गया। अब इसकी भी रिपोर्ट आई, ये भी 14 मुख्य रुद्राक्ष है, घटावा रुद्राक्ष है, बड़ा रुद्राक्ष है, साइज भी अच्छा है। इनकी जो कीमत है 14 मुख्य रुद्राक्ष की 12,000 से लेके 15,000, 16,000, 20,000 तक जाती है। ये रेयर दुर्लभ रुद्राक्ष की श्रेणी में आते हैं। अब ये रुद्राक्ष है, इसकी भी सर्टिफाइड रिपोर्ट है। अब इसका जो है पहला टेस्ट ये है कि इसकी रिपोर्ट हमारे पास है तो ये ओरिजिनल रुद्राक्ष है। अब दूसरा जो इसकी परीक्षा है वो पानी में डालने की है, क्या ये पानी में डूबता है कि नहीं डूबता है। जैसे ये तैर रहा है तो ये अंदर से खाया हुआ है कीड़े का, तो ये क्या करेगा, ये पूरी एनर्जी नहीं देगा, तो ये मैंने अलग कर दिया। फिर ये तीसरा रुद्राक्ष, ये भी 14 मुखी है और सर्टिफाइड रुद्राक्ष है, विद रिपोर्ट है, तो इसकी भी परीक्षा कर लेते हैं। तो ये भी जो है पानी के अंदर देखिए ये तैर ही रहा है, ये भी मतलब भारीपन नहीं है इसमें, रुद्राक्ष में थोड़ा भारीपन होना चाहिए। जो रुद्राक्ष भारी होगा वो अच्छा काम करेगा। फिर ये रिपोर्ट है, ये 14 मुख्य रुद्राक्ष है, ये नेपाल का जो रुद्राक्ष, इंडोनेशिया का रुद्राक्ष, नेपाल के रुद्राक्ष की कीमत थोड़ा ज़्यादा होती है और साइज पे, कलर पे, धारियों पे इसकी कीमत निर्धारित होती है। तो ये वाला पैरामीटर भी ये पूरा नहीं कर पा रहा है, ये थोड़ा हल्का है, साइज में दीजिए, ये भी 14 मुख्य रुद्राक्ष है, विद रिपोर्ट है। तो ये रुद्राक्ष जो है जा रहा है नीचे, ये डूब गया है, तो इसमें भारीपन लिए हुए है, अंदर से कीड़े का खाया हुआ नहीं है, खोखला नहीं है। तो अब ये दूसरी परीक्षा, अब तीसरी परीक्षा जो है लेकर एंटीना से, ये मांस है, मांस में हम इसको रख देते हैं, लेकर एंटीना को केबल से कनेक्ट करते हैं और ये स्कैनर होता है इसके नीचे, इसको थोड़ा अपनी तरफ पुश करते हैं, हैंडल को टाइट कर देते हैं। ये जो है फ्रीक्वेंसी बेस पे काम करता है, 3.3 फ्रीक्वेंसी पे इसको पहले एक्टिवेट करते हैं लेकर एंटीना को, जो कि क्वांटम रेजोनेंस एनालिटिकल सिस्टम बेस्ड डिवाइस है नैनो टेक्नोलॉजी का। और उसके बाद इसको हम 2.5 फ्रीक्वेंसी ह्यूमन सेल हार्मोनाइजेशन पे चेक करते हैं कि क्या ये चीज़ मेरी कोशिकाओं को जीवंतता प्रदान करेगी, क्या ये मेरे लिए शुभ है, क्या ये मेरे लिए पॉजिटिव है। तो इसका आंसर जो है एंटीना अगर ऐसे गिरता है तो यस है, नहीं गिरता है तो नो है। तो आप इसको चेक कर लेते हैं, 2.5 थर्ड आई ह्यूमन सेल हार्मोनाइजेशन,
तो ये माने हुए कोशिकाओं के साथ अच्छा मेल रखेगी, मेरे लिए शुभ होगी और पॉजिटिविटी प्रदान करेगी। ये इसकी जो है तीसरी परीक्षा है। और चौथी परीक्षा जो है सबसे टफ वो है 17.6 हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिवाइनिटी, जिसको हम दिव्यता कहते हैं। कुछ ही चीज़ों में दिव्यता मिलती है, जैसे कि शालिग्राम जो शिला होती है उसमें दिव्यता नजर आती है। इसी तरीके से क्या ये रुद्राक्ष 17.6 हाईएस्ट ऑर्डर डिवाइनिटी, क्या इसको ये फुलफिल करता है? तो अगर ये एंटीना गिरता है तो इसका मतलब हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिवाइनिटी जो है इसको फुलफिल कर रहा है और बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही दुर्लभ रुद्राक्ष है, किंतु ये यहाँ पे डाउन नहीं जा रहा है। इसका मतलब हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिवाइनिटी को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ये चौथी परीक्षा में ये रुद्राक्ष निकल गया। ये भी 14 मुखी रुद्राक्ष है, इसका भी सर्टिफिकेट हमारे पास है और ये भी सीधा डूब गया है। तो इस ये जो है डूबने के बाद फिर इसको हमने चेक किया मास पे रख करके, और इसको पहले 2.5 फ्रीक्वेंसी जेन्युइनिटी की फ्रीक्वेंसी है, पॉजिटिविटी की फ्रीक्वेंसी है, इसको हम चेक कर रहे हैं। इज इट जेन्युइन? यस इट इज जेन्युइन। तो क्या ये हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिवाइनिटी को फुलफिल करता है? क्या ये हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिवाइनिटी को फुलफिल करता है? तो यस, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिवाइनिटी को फुलफिल कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो रुद्राक्ष है ये रिपोर्ट से भी वेरीफाइड हो गया है, टू और उसके बाद पानी में डाल के भी चेक हो गया है, 2.5 फ्रीक्वेंसी को भी इसने पास कर लिया और 17.6 फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट ऑर्डर डिवाइनिटी को भी इसने पास कर लिया है। तो ये रुद्राक्ष पहन करके धारण किया जा सकता है, ये अच्छा रिजल्ट देगा, ये निश्चित है। उसके बाद जो है फिर ये 14 मुखी रुद्राक्ष विद रिपोर्ट, इसको हमने डाला, ये डूब गया है हमने, और इसको हम इस पे चेक करते हैं 2.5 फ्रीक्वेंसी पे। आम व्यक्ति रुद्राक्ष को नहीं चेक कर पाता है, तो ये आपका जेन्युइनिटी को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिवाइनिटी, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिवाइनिटी, तो देयर इज नो मूवमेंट, तो इट मीन्स देयर इज नो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिवाइनिटी। इस क्राइटेरिया पे ये रुद्राक्ष फेल हो जाता है और इसको हम अलग कर देते हैं। उसके बाद फिर ये 14 मुखी है, इसका रिपोर्ट है, इसका रिपोर्ट नहीं है, ये विदाउट रिपोर्ट आया है, किंतु रिपोर्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए ये पैरामीटर ज्यादा अहमियत रखता है। हमने इसको जल में डाला तो ये जो ऊपर तैर रहा है इसका मतलब ये ऊपर जो है ये उस चीज को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे रुद्राक्ष मंगाने के बाद उसके बाद एक रुद्राक्ष इसमें निकला है जो वाक्य में खरीदने लायक है, पहनने लायक है, और अगर इसको मंत्र और विधि से पहना जाए तो ये सुनिश्चित रूप से लाभ देगा। धन्यवाद।